सर, एक महिला होने के नाते मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि आज ये मेरा तीसरा टर्म लोकसभा का था और इन तीन टर्म में से दो एक औरत महिला राष्ट्रपति ने ये अभिभाषण दिया। तो इससे भी बड़ी बात इस बारी ये हुई कि उनके बाद एक महिला वित्त मंत्री ने भी बजट पेश किया और इसकी भी खुशी थी कि अभिभाषण का जो शुरुआत किया वो भी एक महिला एमपी ने किया। तो जिस संसद में इधर आते सारी वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे बड़ा पहला बिल पेश किया गया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक नए भारत में ये नए नियम और नई चीज़ें जो शुरू हुई हैं ये इसी तरह ये बढ़ती रहीं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हर एक महिला जो इस हाउस में पहुँची है वो सैकड़ों पुरुषों को के खिलाफ लड़के उनको हरा के तब यहाँ तक पहुँची है। तो ये महिला शक्तिकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला। सर, महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी हैरानी भी हुई कई चीज़ों में कि कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, कितने प्लाक लगाए हैं, कितनी सेल्फीज अपलोड हुई हैं। मुझे नहीं पता था कि अब ये एक नया स्टैंडर्ड बन गया है देश की अचीवमेंट्स का, लेकिन वो भी सुनने को मिला कि कितनी सेल्फियाँ ली हैं और कितने प्लाक्स लगे हैं। लेकिन सर, हाँ, एक तरफ देश के प्राप्तियों में बहुत बढ़िया, चंद्रयान होए, बुलेट ट्रेन होए, बहुत सारे एयरपोर्ट्स होए, बहुत बढ़िया रोड नेटवर्क हो, ये बहुत कुछ महामहिम जी ने कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारे देश के चार स्तंभ युवा, गरीब, किसान, औरत, इनके ऊपर पूरा देश का फोकस, खजाने का फोकस रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचने और आंकड़ों के साथ सरकार को पेश करना चाहिए था कि आज क्या इन देश के युवाओं के, देश की औरतों के, देश के किसान के, देश के गरीब का पिछले 10 सालों में क्या उनके अच्छे दिन आ गए हैं? क्या उनकी जो मुसीबतें हैं, क्या जैसे देश विकसित हो रहा है, क्या देशवासी भी वैसे विकसित हो रहे हैं कि नहीं? और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि यहाँ हम सब का फर्ज बनता है कि सिर्फ पक्ष में है तो सिर्फ तारीफ करें, विपक्ष में है तो सिर्फ नुक्स निकालें। कहीं ना कहीं हकीकत आंकड़ों के हिसाब पे करना ही हम सारों का फर्ज बनता है। तो मैं इन चारों चीज़ों पे समय यही कहना चाहवाँगी कि जब आप गल कर दिया नौजवाना दी, आज 50% हिंदुस्तान की आबादी नौजवाना दी हैगी। तो आंकड़े साढ़े वर्ल्ड बैंक के आ दसते ने कि जे 15 से 24 साल के नौजवानों देखा जाए तो 2022 के आंकड़े वर्ल्ड बैंक दसता है कि 23% तो वध नौजवान बेरोजगार से गए, जेड़ा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान तो भी वध है। जेड़ी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेटा है वो दसदा 45.4% 12 से 24 साल दे ए बेरोजगार से गए। एदा मतलब हर दूजा नौजवान देश से आज बेरोजगार है, ये हकीकत है जी सब। ABNCRB डेटा दसता है कि 36,000 स्टूडेंट्स ने पिछले 5 साल 19 से 21 में उन्होंने खुदकुशियां कीतियां ने। तो जेड़ा दे कोल नौकरी हैगी, हैरानी की गल तो आ हैगी कि 43,000 प्रोफेशनल्स ने भी, NCRB डेटा दसदा है 19 से 21 दे विच उन्होंने भी खुदकुशियां कीतियां ने। तो सर, आही कारण हैगा शायद कि साढ़े देश विच 68% राइज इन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, देश छड़ के बाहर विदेशों में पढ़ने वाले जा रहे हैं, जिहड़ा 6-year ऑल टाइम हाई हैगा। अपने देश के दे जेडे हिंदुस्तानी ने, तकरीबन 2-3 लाख हिंदुस्तानियों ने अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट छड़ते, ते तकरीबन पंजाब च सब तो वध लोगों ने। ते अफसोस की गल हैगी कि जब महामहिम जी कहते हैं कि SC स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट वधी है, हकीकत आ हैगी कि 14,000 SC ST OBC स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज़ तो उन्होंने ड्रॉप आउट करता हैगा। ते स्टूडेंट्स का तो मैं अपने सूबे तो ही दस सकती हाँ सर कि साढ़े टाइम से जिन्नी SC स्टूडेंट्स होंगे सी वो अद्धे रह गए हैगे, क्योंकि उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं मिली, क्योंकि जेडे मंत्री साहब से कांग्रेस पार्टी के उन्होंने इन्ना वड्डा घपला किया कि 60,000 करोड़ का पलके खा गए अजकल जेलों से, तो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो SC रह गए पिछे। जिदे करके मैं बेनती करती हूँ कि SC होर सपोर्ट देने की लड़ है, उन्होंने एनुअल इनकम 2.5 लाख जो 10 साल तो इनक्रीज नहीं होना, 8 लाख तक किया जाए। एक होर बड़ी जरूरी चीज़ सर, आज देश से ड्रग्स का बहुत वड्डा मुद्दा हैगा। मैनू हैरानी से कि किवें जब असी अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंट की गल करते 10 साल पहले, आज डेमोग्राफिक डिजास्टर बनी जा रहा ड्रग्स के नाल, यदि गल आप क्यों नहीं किए? क्योंकि
अज मैं अपने सूबे की जी गल करा, पाकिस्तान के राही ड्रोन के राही रोज़ ड्रग साडे सूबे में आ रहे। पंजाब का हर कोने च हर परिवार हर पिंड ड्रग्स तो पीड़ित हैगा। रोज़ खबर च नौजवान ड्रग ओवरडोज करके ये मर रहे हैं। तो क्यों ये सरकार उन्होंने ड्रग्स नू ड्रोन्स नू रोकने वास्ते 10 साल च जब महिम जी कहते हैं बॉर्डर नू इन्होंने तकड़ा करने वास्ते बहुत कुछ किया तो आ क्यों नहीं किया? बहुत जरूरी बहुत यदि लोड़ हैगी। सब दूजा मैं आंदी हाँ सब किसान से 60% देश किसानी का हैगा। वादा किया 2015 किसान की आमदन में दुगना किया जाऊगा। NSO का डेटा कहता है कि जोड़ा किसान का आमदन 8,000 रुपये 2015-16 से 18-19 ताई वह कल 10,000 हुई, वो बाद तो डेटा ही नहीं दिता। तो जे 15 तो लैके 19 ताई कल 2,000 का होया तो दुगनी कि हुई है? ये दसन की लड़ नहीं कि कुछ दिता है, दसो कि जोड़ा तुम वादा किया डबल क्यों नहीं होया? क्योंकि इस NSO का डेटा यह भी दसता है कि 50% किसान परिवार अज करजाई हो गए ने। तो 5 साल करजा 58% बढ़ गया देश के किसानों के उत्ते। तो आ भी एक सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट जोड़ा डेटा दसती है कि कल 2021 10,880 किसानों ने खुदकुशी, मतलब साढ़े देश से हर घंटे से एक किसान खुदकुशी कर रहा है। तो कितने ना कि किसानी संकट हैगी। मैं अपने सूबे पंजाब जोड़ा एक कृषि देश सूबा हैगा वो बारे मैं थोनों दसा। तो सब तो वध करजाई पंजाब के किसान है। अज पंजाब जे जिते 80-85% सब स्मॉल तो माजना 5 एकड़ वाले 3-3 लाख का करजाई हरेक किसानी घर के उत्ते है। ये किसानी संकट बहुत व्डा है। तो हज़ारा किसान रोज़ पंजाब से खुदकुशी कर रहे हैं। MSP की गल स महामहिम ने किया 18 लाख करोड़, लेकिन स 850 किसान शहीद हो गए किसानी अंदोलन से। उन्होंने किया कि MSP की कमेटी बनाई जाऊगी, एक लाजमी कमेटी जिदे स्वामीनाथन कमेटी की जी रिकमेंडेशन C2+50% उन्होंने लाजमी बनाया जाऊगा। 2 साल निकल गए अज तक कमेटी नहीं। हकीकत आ हैगी स कि जेडे अज कणक नू लै लईए वो DAP यूरिया बिजाई फर्टिलाइजर ओदी वाढ़ी कटाई 80% इनक्रीज हो गई है कॉस्ट इनपुट। तो आउटपुट साडा MSP अजे 30-40% किसानों जेब तो भरना पैंदा है। हकीकत MSP की आ हैगी। तो सर जब किसान के कोई मौका होंगे कि 2 पैसे कमा ले, यूक्रेन के वॉर से वीट की प्राइसिस वधिया वध वगिया तो सरकार ने एक्सपोर्ट ही बंद करता ताकि किसान के जेब से कुछ ना आए। सो सर इस करके मैं बेनती कर दिया कि ये तुसी स्कीम जी चलाते बहुत वधिया सर। 6,000 रुपये वाली स्कीम तुसी चलाई किसान सम्मान निधि बहुत चंगी गल है, लेकिन क्यों ये स्कीम नू जिहड़ा 2021 च 10,90,00,000 किसानों मिलता सी, फिर 2023-24 इनू 8.5 करोड़ किसानों सिर्फ लाभार्थी क्यों कटा क्यों दिते? किसानों के आमदन बढ़ी तो है नहीं। हुण साडे पंजाब च सर जिहड़ा 1.5% हिंदुस्तान की जमीन है, लेकिन 30% अन्न जिहड़े थोड़े 80 करोड़ लाभार्थी है जिन्हां तुसीं राशन देंदे हो, सब तो वड्डा योगदान हो पंजाब का किसान जिहड़ी इन्नी तो जमीन तो इन्ना सारा उपज करता है। पंजाब च तुसीं 26% किसान निधि समान वाले योजना के किसानों की बेनीफिशरीज में तुम 26% कटाता, क्यों? साडा कसूर की सगा साडे नाल ही वितकरा क्यों? तो सर किसान पंजाब के किसानों ने अपना पानी खोया, अपना खून पसीना बहाया देश नू अन्न सरप्लस करन वास्ते। तो साडे नाल ये धक्का फसल बीमा योजना सर, ये तो कोई दसता नहीं है कि इस बीमा कंपनिया ने किवें 57,000 करोड़ रुपये कमा लेते ने इस योजना तो। साडा पंजाब दवानी नहीं मिलती सानू सेंटर तो। साडा मुख्यमंत्री कहिंदा सी जे कोई आपदा आजूगी आम आदमी पार्टी कोई आपदा आजूगी किसान दी बाह फड़ांगे, सिद्धे गदौरिया बाद नू होणगे थोड़े खाते मरी हुई मुर्गी। दवानी नहीं दित्ती सब, वह हड़ आ गए बाढ़ आ गया किसान मर गए, लेकिन किसी ने बाह नहीं फड़ी सब। फिर मैं आँदी हाँ गरीबा दे उत्ते सर, गरीबा वास्ते बहुत वधिया मैं समझ गया जिहड़ा आयुष्मान भारत तुसी कीता है बहुत वधिया काम कीता है। गरीबा नू तुसी मकान दे रहे हो राशन बड़ी चंगी गल है सर, लेकिन सर जे 25 करोड़ तुसी आबादी नू कहिंदे महामहिम जी कि तुसी पॉवर्टी लाइन तो चक्या हैगा, ते 80 करोड़ नू लाभार्थियों नू तुसी राशन देंदे हो क्योंकि अपना ढिड तक नहीं भर सकते। ते जिहड़ा बंदा अपना ढिड नहीं भर सकता, आपका मकान नहीं बना सकता, अपनी लैटरीन टॉयलेट तक नहीं बना सकता, फिर तुसी आ किवें कहिंदे हो कि भारत विकसित हो रहा हैगा जब हिंदुस्तान का हाल? ते आही है सर UN रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड कहती है 74% ऑफ इंडियंस आर अनएबल टू अफोर्ड हेल्दी फूड। ग्लोबल हंडर इंडेक्स 23 से आप 111वें नंबर से है। साड़ी
दो तिहाई कुड़ियां अनीमिया दे सह हकीकत आ हैगी कि आज आमदन वधी नहीं है, महंगाई इन्नी वध गई है, पेट्रोल 40% डीजल 60%, आज दालां 70% वध गईयां ने, उन्हां दी कीमतां अन्न दी कीमत 75 रुपए, मिल्क ते मिल्क प्रोडक्ट्स 77% सिंस 2012। इन्ना सारा अज रोटी बनाने वास्ते 5 साल पहले जिन्ना खर्चा होंदा सी, अज 65% उस तो वध खर्चा अज हो रहा है आ महंगाई दे कारण करके। अज थोड़ी आरबीआई दा कितना दस्ता है, सब 5 मिनट औरतों के ऊपर। हाँ, मैं मानती हूँ कि औरतों के लिए बहुत अच्छी चीजें कही, मैं उसकी तारीफ करती हूँ कि आपने 70% आवास औरतों के नाम पे, बहुत बढ़िया चीज, इसके लिए तो मेरा ख्याल सबको ताली बजानी चाहिए। आपने ये भी कहा कि 30 करोड़ औरतों को मुद्रा के लोन आपने दिए, आपने उनके लिए टॉयलेट बनाए, आपने मेटर्निटी लीव को 26 हफ्ते कर दी, बहुत बढ़िया चीज़ें आपने की। पर सर, जो आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो कहते हैं 19 और 22 से तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में तो 10% का इंक्रीज हुआ है, और मणिपुर में क्या हुआ? आज हमारी वो महिलाएं जो रेसलर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कैसे फुटपाथ पे अपने मेडल छोड़ रही हैं। तो सर, ये बेटी बचा के फिर उनका ये हाल होगा, तो फिर उसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? और इसीलिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम 122 नंबर पे हैं, और जब ये नारी शक्ति हम वुमेन रिजर्वेशन बिल हम पास करते हैं लेकिन उसकी कोई डेट ही नहीं देते कि कब से लागू होगा। आप बोल देते हैं कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 में हो जाएगा, 30 ट्रिलियन 47, तो ये भी बता दीजिए ना कि ये 33% रिजर्वेशन ये 2027 में आएगा, इस 8 में कब, ये बता दीजिए। सो आखिर में सब मैं यही कहना चाहूँगी, जब राष्ट्रपति जी कहते हैं कि हम बड़े गर्व से कि हम फ्रेजल 5 से हम टॉप 5 पे हो गए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये फ्रेजल 5 से टॉप 5 में सिर्फ देश के वो 10% जिनों के पास 90% वेल्थ है कि या वो 90% जो दबे कुचले गरीब हैं, ये ज़रूर सोचने की बात है और इसके बारे में ध्यान रखें। क्योंकि जो IMF का डेटा है वो कहता पर कैपिटा इनकम जो असली में बताता है, वो हिंदुस्तान ने जिनों 5 देशों को छोड़ के जो आगे ऊपर बढ़ा है, आज हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2,14,000 है, और चाइना जो हमारे बराबर की पॉपुलेशन है उनका 11,29,000 है, और जो दूसरे देशों को इंडोनेशिया ब्राजील यूके वो सब उनके पर कैपिटा हमसे ज्यादा है। सो सर, ये हम ये नहीं, इसके पीछे नहीं छुप सकते कि यूपीए ने ये किया और हमने ये किया। यूपीए को तो भगा दिया लोगों ने ताकि आप उससे अच्छा बेहतरीन काम करें, और देश विकसित तभी हो सकता है जब देशवासी आत्मनिर्भर हो। और आज 80 करोड़ लोगों को आपको खाने तक का पेट भरने के लिए सरकार को देना पड़ रहा है, श्री हसनैन मसूदी जी, कैसे हम कह सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और देश विकसित हो रहा है? सो इन्हीं शब्दों से मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कमियां रह गई हैं उनकी तरफ सरकार ज्यादा ध्यान देगी, और विकसित देश में आत्मनिर्भर लोग हों तभी देश का भला हो सकता है। शुक्रिया सर।